करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम बीजी के अंदर सीखेंगे किस तरीके से बीजी के अंदर अब मल्टी करेंसी का टॉपिक यूज़ करेंगे। देखिए, मल्टी करेंसी का जो टॉपिक बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक मेन मोटिव ये है कि अगर हम किसी बाहर की कंपनी से डीलिंग करेंगे तो उसको किस तरीके से हमें मेंटेन करना है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी करेंसी। सपोज आप एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर हो, अगर आपका जो भी काम होता है वो डॉलर में होता है, किसमें होता है, डॉलर में आपका काम होता है, ठीक है। आप फिर किस तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीखते हैं कि मल्टी करेंसी को अनेबल कैसे करते। तो मल्टी करेंसी को अनेबल करने के लिए आपको कहाँ आना है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा, अकाउंट्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, मल्टी करेंसी। आपको मल्टी करेंसी को अनेबल करना है। ये पूछा करेंसी कौन फैक्टर या डेसिमल प्लेसेस 6, तो डेसिमल प्लेसेस 6 डाल दोगे तो मतलब क्या होगा, जैसे आपने एक लिखा फिर डॉट के बाद 6 अंक आपके डेसिमल आएंगे। तो मैंने बोला कितने डेसिमल चाहिए मुझको, 3 डेसिमल, इसको मैंने यहाँ से सेव कर, सेव हो गया। अब आती है करेंसी, सपोज अभी आपको कुछ करेंसी बनानी है, तो आप आएंगे मास्टर के अंदर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, करेंसी। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई करेंसी है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी 3 करेंसी बनी होंगी, जिसमें पहला आता है डॉलर, ठीक है, ठीक है, क्या आता है आपका, डॉलर आता है, ठीक है। फिर आपके पास एक आपके, ठीक है, करेंसी है, एंड देन आपके पास यूरो, तो जो भी करेंसी सिंबल होगा आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है करेंसी कॉन्फैक्टर, कॉन्फैक्टर क्या होता है, जैसे एक रुपये का डॉलर, एक डॉलर कितने के बराबर है, 65 रुपये के बराबर, तो कॉन्फैक्टर इसके अंदर यूज हो रहा है, तो उस समय आपको सबसे पहले यहाँ से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक करेंसी सिंबल बनाइए, एंड देन बाद में इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे करेंसी सिंबल बनाया, क्या बनाया, करेंसी सिंबल, मैं जापानी करेंसी सिंबल बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा शिफ्ट के साथ 0165 दबा दूँगा, क्या दबा दूंगा, शिफ्ट के साथ 0165, ये जापानी कंपनी का सिंबल आ गया। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ 0235 डाल दूंगा तो कुछ और, 0140 डालूंगा तो कुछ और आ जाएगा, हाँ इनके कोड है, अगर आप गूगल से जाके निकालना चाहे तो आप इनके कोड निकाल सकते हैं, मिल सकते हैं सभी कंट्रियों के, ठीक है। तो मैंने क्या बताया जापान के लिए, 0.6 आ गया, एंड इसकी करेंसी का जो भी नेम होगा वो करेंसी नेम है येन है, हाँ येन है, मुझे पता है करेंसी सिंबल इसका येन है, ठीक है। अब आता है बीपीआई, यहाँ पर लिखा है बेसिक बेस पर करेंसी अल्टरनेट कर, एक होता है ए फिर पी बी, क्या लिखा होता है, अल्टरनेटिव करेंसी पर बेस करेंसी। जब आपकी अल्टरनेट करेंसी बेस करेंसी से अब बड़ी होगी तो आपको क्या लेना है, आपको ये लेना है, क्या लेना है आपको, ये लेना, जैसे आपका एक डॉलर कितने के बराबर है, 65 रुपये के बराबर है, तो उसमें आप क्या लोगे, उसमें लोगे आप अल्टरनेटिव करेंसी पर बेस करेंसी, क्या लेंगे, बेस करेंसी। अगर मैं F5 से आपको लिस्ट दिखाऊं तो बीजी ने अगर डॉलर का दिया वो किसके अंदर दिया है आपका, बीपीआई, ठीक है, क्या दिया है आपका, बीपीआई, ठीक है। ऐसे आप यूरो देखोगे सब जगह आपका बीपीआई। जब आपकी बेस करेंसी बड़ी होगी उस करेंसी तो आप कौन सा लेंगे, आपका ये वाला। अब सपोज आपकी जापान या नेपाल है, क्या है आपका, नेपाल, हमारा एक रुपया उसकी करेंसी की बेसिस पे ज़्यादा है ना, हमारी वैल्यू ज़्यादा है उसकी रुपीज से या उसकी करेंसी से, तो हम कौन सा लेंगे, हम कौन सा एपी लेंगे, ठीक है। तो ये आपके कॉन्फैक्टर होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। अब इसको यहाँ से हम इसको सेव कर, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है। अब मैंने यहाँ से करेंसी सिंबल ही बना लिया, अब करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे आप इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब आता है करेंसी का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बोला एक तारीख को डॉलर का रेट कितना है, सेलिंग डॉलर का रेट 65 रुपये, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट 65 रुपये, सेल, ठीक है, सेलिंग रेट 63 रुपये, और बाइंग रेट या पेमेंट जब हम करेंगे तो उसका रेट 60 रुपये, ठीक है, सेलिंग रेट 65, परचेजिंग रेट 63, और बाइंग रेट, पेमेंट जब करेंगे तो कितने के पैसे पे करेंगे हम, 60 रुपीज़। मैंने इसको यहाँ से सेव, सेव हो गया। उसके बाद मैं अकाउंट्स के अंदर आया और मैंने एक नई पार्टी बनाई, दीपक कंपनी, और ग्रुप में क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर, संदी टैप्टर। देखो इसके नीचे जैसे ही मैंने अनेबल कर दो, इसके नीचे लिखा है मल्टी करेंसी, क्या इसी पे आपको मल्टी करेंसी एप्लीकेबल करना है, मैं इसको जैसे ही अनेबल करूंगा तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका मल्टी करेंसी ओपन हो जाएगा, ठीक है।
देखो जैसे ही मैं इसको सेव करने गया तो इसने पूछा क्या इसकी कोई पुरानी करेंसी है, क्या पुरानी करेंसी का कोई ओपनिंग बैलेंस है? अगर हैगा तो आप डाल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि डॉलर का इसका मतलब इतना बैलेंस ओपनिंग था। देखो मैंने यहाँ $100 लिखा है और मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो आपका ये मुझे बता देगा कि ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था। ठीक है, आ गया 65 एंड देन इसको यहाँ से मैंने F2 करके सेव कर दिया। ओके सेव। अब मैंने इसको एक सेल करी, क्या करी मैंने, सेल। सेल पे आया, मैंने यहाँ तारीख डाली, एग्जाम लिखा और पार्टी का नाम क्या था, दीपक ट्रेडिंग कंपनी। तो जैसे ही मैंने इंटर करा तो मुझसे पूछ रहा है कि आप जो ये बिल काटोगे, क्या काटोगे, जो आप बिल काटोगे वो रुपीज़ में काटना है, डॉलर में काटना है, यूरो में काटना है, येन में काटना है, किस में काटना है? तो मैंने बोला किस में काटना है, डॉलर में। तो इसने बताया सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 65 रुपये। एंड देन मैंने इसको ओके। देखो यहाँ पर अभी RS का सिंबल है, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर किसका सिंबल हो जाएगा, आपका डॉलर का हो जाएगा। मैंने बोला मैंने PK की CFD करी दी है, कितना प्राइस बना इसका, 11,000। मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे, ठीक है अभी कोस्ट सेंटर इसको आप हटा दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए, ये आ रहा है कोस्ट सेंटर एंड इसको अनेबल कर दीजिए, हो गया। अब मैं उसका ओल्ड प्लस L करके किसका लेयर देखूंगा, दीपक का। तो देखिए आपको यहाँ पर साथ साथ क्या दिखेगा, बैलेंस कितना था, आप नीचे अंदर देखेंगे तो बैलेंस यहाँ अंदर कितना दिखा आपको, 11,000, और यहाँ बैलेंस कितना दिखा, 7,015। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का रीज़न है क्यों, क्योंकि जो भी हमने काम करा वो किस पे काम करा है, डॉलर पे। तो इसने क्या करा, F10 करा, 65 मल्टीप्लाई बाय कितना, 11। तो कितना हो गया एक पीस का प्राइस आपका, 71,000। 1100 तो मल्टी करी मैंने भी, जो इंटू हुआ है वो भी 11,000 से, 1100 से हुआ है। अभी एक पीस की कॉस्टिंग कैसे आएगी डॉलर में, ये हमारा उसका कितना है, 1 पीस के। तो हमने क्या करा, पहले हमने 1100 इंटू 65 तो कितना आ गया, इतना, और इससे मल्टीप्लाई 10 क्वांटिटी का तो कितना आ गया आपका, 7,05,000। क्लियर है, आ गया समझ में? तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को मेंटेन कर सकते, ये आपका मल्टी करेंसी का टॉपिक था। आपको लिस्ट देखनी है तो आप जब भी कोई लिस्ट निकालेंगे तो आप उसके अंदर मल्टी करेंसी वाइज भी लिस्ट निकाल सकते हैं। अब सपोज उसने मुझे पेमेंट दी है, पैसा दिया है मुझे, जब उसने हमें पैसा दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए पेमेंट तो हमारे लिए आ जाएगी, रिसीव। तो रिसीव मारा, कितना बैलेंस, 30 तारीख को, कह रहा किस में पैसा दिया, मैंने बोला रुपीज़ ने पैसा दिया, कितना दिया, रुपीज़ में। किसने, दीपक ने पैसा दिया, दीपक ने 1,000 रुपये, कितना दिया है, 1,000 रुपये। ठीक है, तो जब मैं उसको ओल्ड प्लस सेल करके दीपक का लेजर देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि कितना मिला है मुझे, 1,000 ही मिला। लेकिन मुझे इसको कितना करना चाहिए था, मुझे यहाँ से डॉलर लेना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था, डॉलर। देखो पेमेंट क्या हो गया हमारा, 63। सेलिंग कितना डाला था मैंने, 65। ठीक है, एंड देन सेव कर, ठीक है, एंड देन इसको मैंने, अभी कह रहा है इनवैलिड अकाउंट एट द रो नंबर 2, दिस अकाउंट डज नॉट हैव ए मल्टी करेंसी अनेबल। अब आपको कैश के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टी करेंसी टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, आपको अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप वर्किंग कर सकते हैं। गलती हुई तो F9 एंड देन क्या कीजिए, F9 PT एंड देन क्या लिखिए, कैश। अब इसको आप सेव करिए, सेव करिए, देखिए कितना माइनस हो गया, 63,000। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होगी, जब हमने सेल करा तो 65 तक, जब पेमेंट करा तो डॉलर रेट कितना हो गया, 63 रुपये। कितने रुपए का फर्क आ गया आपका, 2 रुपए का। तो वो आप एंट्री यहाँ से एक जनरल से एंट्री माननी पड़ती, बट वो आप लोगों को माननी नहीं होती। बहुत से लोग इसको भी, मैंने आप देखोगे तो काफ़ी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें ये एंट्री मानते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं माननी, बहुत रियर केस होते हैं तो माननी होती है, ठीक है। तो जो एंट्री हम यहाँ से मारते हैं उस एंट्री को हम ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, कहाँ से, बल्क अपडेशन के अंदर जाके हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस एंट्री को हम यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं, यूटिलिटी के अंदर होता है शायद, नहीं बल्क अपडेशन के अंदर है, ठीक है, ऑटो जनरेट फॉक्स गेन एंड लॉस वाउचर।
आप इसको अनेबल करेंगे, आप यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आज मैंने बीजी के अंदर आपको मल्टी करेंसी का टॉपिक समझाया है।